Hello, dear learners. For those who were waiting for SAQ Elite program, the wait is over. Such candidates as could not join the SAQ Elite program last time, they missed the opportunity and were waiting for the program. Here is the opportunity. We have opened the uh, we have opened admissions in SAQ Elite program for a limited period, and I am here to discuss the details of this program with you today in this video. ऐसे के लिए जो हमारा प्रोग्राम है इसकी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है किसके लिए है सिलेबस क्या है किस तरीके से सिलेबस डिलीवर किया जाता है क्या वैलिडिटी है क्या ड्यूरेशन है कौन बैच को ज्वाइन कर सकता है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा ये सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ कि आप समझ पाएँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से आपको हेल्प करेगा तो आ जाइए समझते हैं प्रोग्राम की डिटेल्स को शुरुआत करते हैं व्हाट इज एस कि एसे के लिए क्या है इससे शुरुआत करते हैं तो देखिए एसे के प्रोग्राम है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है फॉर एडवांस लर्नर्स इसमें हम जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए प्रोग्राम है वी हेल्प देम विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वी हेल्प देम विद कॉन्टेंट इफ़ दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ असाइनमेंट्स और टेस्ट्स अपने बच्चों की असमेंट के लिए अगर वो चाहते हैं तो हम उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं और एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग और गाइडेंस दैट दे रिक्वायर जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार हमें गाइडेंस की या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि हम ये जान पाएं कि जो हम कर रहे हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये सही है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कोई हमें गाइड कर दे और हमें बता पाए कि यहाँ पर देर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो ये प्रोग्राम बेसिकली एडवांस लर्नर्स को इन चीजों में हेल्प करने के लिए तो अगर मैं आपको बताऊं तो अ कॉम्प्रीहेंसिव अ कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर एडवांस्ड लर्नर्स टू हेल्प दू हेल्प द्लैरिटी लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लेकर उनके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो उनकी कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी वो बेहतर समझें बेहतर समझा पाए इसमें हेल्प करने के लिए एनी काइंड ऑफ टेस्ट और असाइनमेंट दैट दे रिक्वायर अपने स्टूडेंट्स का एवेल्युएशन करने के लिए उनको जिस तरीके के भी असाइनमेंट्स की लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर के अगर उनको असाइनमेंट या टेस्ट की जरूरत है तो उसमें हेल्प करने के लिए एंड एनी गाइडेंस और काउंसलिंग और किसी भी तरीके का गाइडेंस या काउंसलिंग जो टाइम टू टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है उसमें हम उनकी मदद करने के लिए तो दीज आर दी काइंड ऑफ हेल्प दैट वी कैन हेल्प यू ये वो हेल्प है जो हम आपको इस प्रोग्राम में करते हैं मतलब ये प्रोग्राम इस तरीके से आपको हेल्प करने के लिए है प्रोग्राम जो है इसमें लाइव लेक्चर्स होते हैं ठीक है उसके बाद में आपके टास्क होते हैं फ्रीक्वेंट टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं और लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं तो एक्टिविटीज़ होती हैं टास्क होते हैं और लाइव लेक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू हम आपको मदद करते हैं कि लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर हो आप चीज़ों को बेहतर समझें और बेहतर समझा पाएँ इसमें आपको हेल्प करने के लिए उसके साथ में कोई भी किसी भी टॉपिक या चैप्टर के अगर आपको टेस्ट या असाइनमेंट चाहिए तो वो हम आपको अवेल करवाते हैं और कोई भी फर्दर पर्सनल या मतलब अपना प्रोफेशनल गाइडेंस या काउंसलिंग जो आपको लगता है कि हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं और आप हमसे अगर चाहते हैं शेयर करना तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं उसके बाद में हु कैन ज्वाइन ऐसे के लिए प्रोग्राम तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐसे के लिए प्रोग्राम जो है वो एडवांस लर्नर्स के लिए है वेन वी यूज द टर्म एडवांस लर्नर्स वी एक्चुअली मीन द टीचर्स ऑफ इंग्लिश बट वी प्रेफर यूजिंग द टर्म एडवांस लर्नर्स इंस्टेड ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश तो जब हम एडवांस लर्नर्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता है टीचर्स ऑफ इंग्लिश जो लैंग्वेज टीचिंग में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में इंगेज हैं टीचिंग करते हैं आ, किसी भी कैटेगरी के, के लिए करते हैं एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाते हैं या फॉर एनी कैटेगरी ऑफ टीचिंग में जो एंगेज हैं उनके लिए है या फिर ऐसे कैंडिडेट्स भी इसमें एनरोल कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में अभी एक्टिवली एंगेज नहीं है टीचिंग में भी टीचिंग नहीं करते बट दे सीक द करियर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लेकिन वो टीचिंग ऑफ इंग्लिश में करियर देखते हैं और आने वाले समय में दो चार छः महीनों में आने वाले समय में वो एज ए टीचर एंगेज होना चाहते हैं चाहे अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके वो हमारे लिए इशू नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो, वो इशू नहीं है तो ये प्रोग्राम उनके लिए तो दिस प्रोग्राम इज फॉर टीचर्स ऑफ इंग्लिश बेसिकली टीचर्स ऑफ इंग्लिश फॉर एनी कैटेगरी ऑफ टीचिंग किसी भी कैटेगरी की टीचिंग जो करते हैं इंग्लिश की उनके लिए प्रोग्राम है अच्छा यहाँ पे मैं एक पॉइंट स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा इंफेसाइज करना चाहूँगा दिस ऐसे के लिए प्रोग्राम इज नॉट रिकमेंडेड दिस ऐसे के लिए प्रोग्राम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दो आर प्रिपेरिंग फॉर वन डे कॉम्पिटिशन्स जो एस एस सी बैंकिंग या यू पी एस सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम न, नहीं है मतलब उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है वो इस प्रोग्राम में एनरोल ना करें क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है ठीक है और कंपटीशन का सिलेबस बहुत कम होता है टू द पॉइंट वहाँ पे पढ़ना होता है ये प्रोग्राम काफ़ी वास्ट है एंड टाइम टेकिंग है उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज हालांकि जो टीजी टी या पीजी टी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अपने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अच्छा करना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना चाहते हैं तो उनके लिए है दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम अदरवाइज दिस प्रोग्राम इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स तो ये आपको ध्यान रखना है सिलेबस एंड स्केड्यूल कि अब ये जो हमारा प्रोग्राम है सेकिलिटिस का सिलेबस क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज प्रोग्राम है कवर करता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द लर्निंग ऑफ इंग्लिश ऑफ इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश लर्निंग के ये डिफरेंट लेवल्स को कवर करता है प्रोग्राम डिफरेंट लेवल्स का मतलब देखिए क्या है डिफरेंट लेवल्स का मतलब है जैसे आप अकेडमिक्स के लिए जो इंग्लिस का सिलेबस है अकेडमिक एग्जाम्स के लिए है कॉम्पिटिशन्स के लिए एस एस सी यू पी एस सी बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं उनमें जो लैंग्वेज यूजेस होते हैं वो हो गए और उसके बाद में प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूजेस प्रैक्टिकल यूज इन एवरी डे लाइफ ठीक तो इसका सिलेबस यही है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग जो डिफरेंट लेवल्स पर हम इंग्लिस लर्न करते हैं जैसे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो अकेडमिक्स एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सीखते हैं तो उनका सिलेबस उसकी अप्रोच सीखने की और सिखाने की अलग होती है फिर सच कैंडिडेट्स एज आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो भी इंग्लिश सीखते हैं एस एस सी एग्ज़ाम्स हो गए एन डी एस सी डी एस या यू पी एस सी के एग्ज़ाम्स हो गए या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो बच्चे सीखते हैं इंग्लिश उन्हें जो लोग सिखाते हैं उनकी जो टीचिंग करते हैं उनका भी सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूजेस जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूजेस हैं एवरीडे लाइफ में ठीक है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ये सारे जो आपके होते हैं प्रोग्राम्स इनको हम लाइव लेक्चर्स आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं डेडिकेटेड डेज पे उसमें उसके बाद में एक्टिविटीज होती है लर्निंग एक्टिविटीज जिनसे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है और अपने अंदर सुधार होता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका होता है और उसके साथ ही साथ में टाइम टू टाइम हम आपको चैलेंजिंग टास्क आपके साथ शेयर करते हैं जो टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं और डेडिकेटेड टाइम में ही आपको वो सबमिट भी करने होते हैं तो इस तरीके से हम सिलेबस को कवर करते हैं तो बेसिकली इसका जो सिलेबस है वो अकेडमिक लेवल से हम शुरुआत करते हैं जो स्कूल कॉलेज का सिलेबस होता है ठीक है वहाँ से स्टार्ट करके फिर जो कॉम्पिटिशन के लिए सिलेबस है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लैंग्वेज का सिलेबस है उसको हम कवर करते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जो उससे भी बियॉन्ड सिलेबस है लैंग्वेज का जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज रहते हैं जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमारी ओरिजिनलिटी आती है हम खुद सोच पाते हैं ख़ुद एक्सप्लेन कर पाते हैं और खुद चीज़ों को इन्वेंट कर पाते हैं फिर हम उस लेवल को डील करते हैं लैंग्वेज का तो ये इसका सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज सिलेबस और ये सारी चीजें आपके साथ की जाती हैं लाइव लेक्चर्स के थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू और टास्क के थ्रू ये सिलेबस अब इसकी ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी तो देखिए ये जो प्रोग्राम है हम इसकी ड्यूरेशन आपको लिखते हैं वन ईयर ट्वेल्व मंथ्स। लेकिन ये वन ईयर केवल हम आपको कमिट करते हैं बट अदरवाइज इसकी कोई वैलिडिटी नहीं कोई एक्सपायरेशन नहीं है बस यहां पर हम ये चाहते हैं कि आप जो हमारे टास्क होते हैं हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं ठीक है आप इनके साथ एंगेज रहिए टाइम टू टाइम जो आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं जो टास्क दिए जाते हैं वो आप पूरे करते रहें और आप बेहतर पढ़ाएं बेहतर टीचर बनें आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएं आप बेहतर दूसरों को समझा पाए ठीक है और हमारी कोशिश है कि हम मिलके एज अ टीम मैं आप हम मिलके के एज ए टीम जो इंग्लिश सीखने वाले लर्नर्स हैं जो बच्चे इंग्लिश सीखते हैं कॉम्पिटिशन के लिए सीखते हैं अकेडमी के लिए सीखते हैं किसी के लिए भी सीखते हैं उनको बेहतर एक लर्निंग एक्सपीरियंस दें जिससे उनका टाइम कम वेस्ट हो ठीक है और उनका जो उनके जो एफर्ट्स हैं उनका जो टाइम है उनके जो अदर रिसोर्सेज वो इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग में वो वेस्ट ना हो और हमारा भी प्रोग हमारी भी प्रोग्रेस हो और जिन कैंडिडेट्स को हम पढ़ाते हैं उनको हम एफर्टलेसली टीच कर पाएं जिससे कि उनका बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस हो तो हमारे यहाँ पे मिशन यह है कि एक बार जब हम इन लेवल्स को कवर कर लेते हैं एकेडमिक लेवल कॉम्पिटिशन्स का लेवल और आपका प्रैक्टिकल जब हम कवर कर लेते हैं तो हमारा मतलब उसके बाद में गोल ये होता है कि हम एज ए टीम काम करें आप जहां भी पढ़ाते हैं जिसको भी पढ़ाते हैं जैसे भी पढ़ाते हैं आप पढ़ाइए आपके साथ जो अदर कैंडिडेट्स हैं बैच में जो जहां पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाते हैं बढ़िया पढ़ाए और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए ठीक तो वैसे इसका कोई एक्सपायरेशन नहीं है मतलब कोई एक्सपायरी डेट नहीं है इस प्रोग्राम की आप एक बार हमारे साथ आ जाते हैं तो जब तक आपको लगता है कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप जुड़े रहना चाहते हैं तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए हमारी तरफ से कोई एक्सपायरी इसकी वैसे होती नहीं बट बर... क्योंकि ये बातें जो होती हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपायरी रखनी पड़ती है तो प्रोग्राम की एक्सपायरी मिनिमम वन ईयर तो होती ही है बट अदरवाइज़ जैसे आप समझ गए होंगे कि ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि एक साल बाद आप ख़त्म प्रोग्राम आपका और आप जाइए ऐसा कुछ नहीं है आप हमेशा हमारे साथ रहिए आप बेहतर पढ़ाइए आपको हमेशा, हमेशा हमसे कुछ नया सीखने जानने को मिलेगा तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए कभी प्रोग्राम ओवर नहीं होगा ठीक है हम मिलकर कैंडिडेट्स को बच्चों को जो इंग्लिश सीखते हैं ठीक है उनके लिए बेहतर कंटेंट क्रिएट करेंगे बेहतर टीचिंग मेथड्स डेवलप करेंगे जिससे कि वो बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और काफी एफर्ट करते हैं उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं काफी एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं वो उनके काफ़ी बर्बाद जाते हैं ठीक है वो खैर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे वो प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे वो क्यों बर्बाद जाते हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है कैसे उसको कम किया जा सकता है वो सब बात की बातें हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे तो बेसिकली इस बात ये है कि मिनिमम वन ईयर वैलिडिटी आपकी रहेगी रहेगी ठीक है अदरवाइज अगर आप इन एक्टिविटीज़ और टास्क के थ्रू और लाइव लेक्चर्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहते हैं आप अच्छा पढ़ाइए बढ़िया टीचिंग कीजिए हम आपके साथ हमेशा हैं तो वैसे वर्चुअली कोई एक्सपायरेशन इसकी नहीं है ठीक है फिर आ गया कि अभी जो प्रोग्राम है जिसके हमने एडमिशंस ओपन किए हैं इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के क्योंकि वी नो देर आर मैनी कैंडिडेट्स वर वेटिंग फॉर द एडमिशन्स टू ओपन काफी कैंडिडेट्स हैं जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि इसके एडमिशंस ओपन हो दे वॉन्टेड टू ज्वाइन इट बिकॉज लास्ट टाइम वैन वी लॉन्च वी ओपन द एडमिशंस काफी लोग लो ज्वाइन नहीं कर पाए उनको प्रोग्राम के बारे में बाद में पता चला तब तक एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे तो इसकी लाइव लेक्चर्स स्टार्ट होंगे सिक्स ऑफ जनवरी से लाइव क्लासेस जो है आपकी वो स्टार्ट होंगी सिक्स ऑफ जनवरी 2023 से लाइव लेक्चर्स जो होते हैं इनका सबको टाइम ध्यान रखना है लाइव लेक्चर्स जो आपके होते हैं वो होते हैं रात को नौ बजे क्योंकि इसमें सारे कैंडिडेट्स वही हैं जो अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं या स्कूल्स में पढ़ाते हैं ठीक है तो इसीलिए हम आफ्टरनून या मॉर्निंग में क्लासेस नहीं रख सकते तो एलिट बैच की सारी क्लासेस रात को ही होती हैं नाइन पी उससे पहले नहीं उसके बाद ही ठीक है तो आपके लाइव लेक्चर जो हैं वो नाइन पी पर होंगे रात को और सिक्सथ जनवरी 2023 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टास्क और असाइनमेंट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलते रहते हैं वो आप अपना किसी भी समय सबमिट कर सकते हैं वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ शेयर किए जाते हैं और आप उनको अपना टाइम टू टाइम सबमिट करते रहेंगे तो सिक्स ऑफ जनवरी से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं सिक्स ऑफ जनवरी से क्लासेज स्टार्ट होंगी तो इसका मतलब है जिस दिन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन या उससे एक दिन पहले एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे बिकॉज वंस द लाइव लेक्चर वंस लाइव लेक्चर्स हैव स्टार्टेड वी क्लोज एडमिशन एडमिशंस उसके बाद में क्लोज हो जाते हैं ठीक है नाउ हाउ कैन वन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एस एक्ट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो देखिए, इट इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। Live, हमारा है। हमारा ऐप अगर आपने डाउनलोड कर रखा है ठीक है नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एसेक लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ठीक है गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है आप उस लिंक के थ्रू भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और ऐप पर रजिस्टर करने के बाद में ऐसे कोर्सेज में जाइए वहाँ पे आपको ऐसे ग्रेट प्रोग्राम मिलेगा और आप इस प्रोग्राम को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद में अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है या कोई और क्वेरी है इन सारी बातों को जो मैंने आपको बता दी है इनके बाद भी जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं एडमिशन लेने से पहले अगर आपको कोई क्वेरी है आप कुछ जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड ठीक है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर डबल एट डबल एट डबल एट सेवन एट डबल एट सेवन एट ये नंबर एक आप सेव रखेंगे एक नंबर है डबल नाइन ट्रिपल वन नाइन वन नाइन फाइव नाइन नाइन वन नाइन फाइव नाइन अच्छा ध्यान रखना है कि ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप के लिए है कॉल ना करें कॉल करेंगे तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा तो ये नंबर है आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डबल नाइन ट्रिपल वन नाइन वन नाइन फाइव नाइन इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें कॉल ना करें प्लीज ठीक है जब आप एनरोल हो जाएंगे प्रोग्राम में फिर मैं आपके साथ में अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूँ उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये ऑफिस का नंबर है एक्चुअली तो जब आप प्रोग्राम में आ जाते हैं ऐसे ग्लिट में तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूँ फिर आप उस पर्सनल नंबर के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इस नंबर के थ्रू अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं डबल नाइन ट्रिपल वन नाइन वन नाइन फाइव नाइन सिम्पली व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आपको रिप्लाई में सेम डे या फिर द नेक्स्ट डे आ ही जाता है उसके बाद में ये जो दूसरा नंबर है डबल एट डबल एट सेवन एट डबल एट सेवन एट डबल एट डबल एट सेवन एट डबल एट सेवन एट ये नंबर है ऑफिस का दुरानी सर के पास रहता है ये आप ऑफिस टाइमिंग में कॉल भी कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में ठीक है आपको पता है कन्वीनियंट टाइम किसी पर्सन को कॉल करने का क्या होता है आप उस समय कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं तो प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है कोई कन्फ्यूज़न है जो आप एडमिशन लेने से पहले क्लियर करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर लीजिए और सिक्स ऑफ जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उससे पहले आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एज एड प्रोग्राम के वो मिलेंगे अवेलेबल तब तक आप उनको देखिए और लाइव क्लासेज आपके सिक्स ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे तो अब आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस में सिक्स ऑफ जनवरी को एज ए क्लीड बैच में तब तक लिए बाय एवरीबडी थैंक यू टेक केयर